हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनस ट्यूटोरियल। ये जो हमारी वीडियोस चल रही हैं पॉलीनोमियल चैप्टर क्लास 9th एनसीईआरटी के ऊपर, उसमें जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ वाला टॉपिक है उसका ये फोर्थ पार्ट है। मैं अभी क्वेश्चंस करवा रही हूँ आपको कि एल्जेब्रिक फार्मूलाज के ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। ये हमारा लेक्चर नंबर 19 है। क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस b माइनस c का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। यानी कि ये चीज़ को हमें इस चीज़ के बराबर दिखाना है। या इसके दो तरीके होते हैं, या तो आप LHS को RHS के बराबर दिखा दें या आप RHS को LHS के बराबर दिखा दें। अगर आपके पास एग्ज़ाम में टाइम है तो आप दोनों को ही दिखाइए, वो ज़्यादा बेटर होता है। तो हम पहले लेके चलते हैं LHS वाला टर्म, हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो है। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड ये है। तो आप देखिए, इसमें आप देखिए 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। इसको देखने से तो अगर इन टर्म्स में तो हमारा कोई फॉर्मूला नहीं बन सकता है, लेकिन अगर आप देखें, अगर हम 2a स्क्वायर को a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लिख सकते हैं, 2b स्क्वायर को b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिख सकते हैं, 2c स्क्वायर को c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये वाले टर्म्स एज इट इज़ लिख सकते हैं। अब देखिए, अगर मैं यहाँ से a स्क्वायर, यहाँ से b स्क्वायर और यहाँ से माइनस 2ab लेके एक ब्रैकेट में बंद कर दूँ, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ से मैं a स्क्वायर, यहाँ से मैं a स्क्वायर और सी स्क्वायर और माइनस टू सी एक ब्रैकेट में बंद कर दूं, तो ये हो जाएगा। अब बचा क्या, बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस टू ए बी, इसको मैंने अलग ब्रैकेट में बंद कर दिया। अब आप जानते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, यही होता है। यानी कि हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी को क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू बी सी को हम क्या लिख सकते हैं, बी माइनस सी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू सी ए को हम लिख सकते हैं, सी माइनस ए का होल स्क्वायर। यानी कि हम RHS पे पहुंच गए, LHS से हम चले थे RHS पे आ गए, हेंस हमारा प्रूफ हो गया। अब आप देखिए, अब मैं LHS लेके चलती हूँ, सॉरी RHS लेके चलती हूँ और LHS को प्रूफ कराती हूँ। अब मैंने RHS ले लिया है हमारा, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। अब इसमें सिंपली क्या करना है, आपको फॉर्मूला को खोल देना है, हमें इवेल्यूएट कर देना है बिल्कुल। a माइनस बी का होल स्क्वायर की जगह लिखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, बी माइनस सी के होल स्क्वायर की जगह लिखो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू बी सी, सी माइनस ए का होल स्क्वायर की जगह लिखो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू सी ए। ए स्क्वायर कितनी बार आया है हमारा, दो बार, टू ए स्क्वायर। बी स्क्वायर कितने बार आया है, दो बार, यानी कि टू बी स्क्वायर। सी स्क्वायर कितनी बार आया है, टू सी स्क्वायर, और ये माइनस टू ए बी, ये हमारा टू सी ए, और ये माइनस टू बी सी। यानी कि हम आर एच एस से चले और एल एच एस पे आ गए, यानी कि हमने दोनों साइड से अपना क्वेश्चन प्रूफ कर दिया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू जीरो, देन वी हैव टू प्रूव दैट ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। ये क्वेश्चन भी जो हमारा ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन था उसी की तरह है। अब देखिए, ये हमने लेके चल लिया ये, क्योंकि हमें ये गिवन है, ये ऑलरेडी गिवन है, तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। लेकिन इससे हमारा कोई भी फॉर्मूला नहीं बन रहा है, तो मैं क्या करूँगी, RHS और LHS दोनों साइड ही 2 का मल्टीप्लाई कर दूँगी। तो ये इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो सारे टर्म्स में 2 आ गया, और 0 को किया तो 0 आ गया। यानी कि अब देखिए, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, ये वैसे ही बन गया है जो मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन में कराया था, वैसा ही हो गया है। ये देखिए, ये वाला टर्म बन गया है, यानी कि मैं इसको भी वैसे ही सॉल्व करूँगी, सारे टर्म्स को खोल के लिख लूँगी, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस टू बी सी माइनस टू सी ए एंड इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अब सारे टर्म्स को ब्रैकेट में फॉर्मूलों के हिसाब से रीअरेंज कर दिया मैंने सारे टर्म्स को, और ये हमारा फॉर्मूला बन गया, ये बन गया हमारा। अब देखिए, हमें प्रूफ करना है a इक्वल टू b इक्वल टू c। अब इस वाले से अगर आप देखिए तो एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर कितने भी टर्म्स हैं हमारे पास, x प्लस वाई प्लस जेड अगर इक्वल टू ज़ीरो है, तो ये ज़ीरो तभी होगा जब ये x भी ज़ीरो होगा, y भी ज़ीरो होगा और z भी ज़ीरो होगा। इन तीनों को ही ज़ीरो होना पड़ेगा, तब ही उनका सम ज़ीरो आता है। सम ऑफ पॉजिटिव क्वान्टिटीज़ इज़ ज़ीरो इफ़
एंड ओनली इफ़ ईच क्वान्टिटी इज़ ज़ीरो, यानी कि ज़ीरो तभी आ सकता है जब ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी ज़ीरो हो, बी माइनस सी का होल स्क्वायर भी ज़ीरो हो और सी माइनस ए का होल स्क्वायर भी ज़ीरो हो, यानी कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर ज़ीरो अगर मैं करती हूँ तो ए माइनस बी इक्वल टू ज़ीरो, विच इम्प्लाइज़ दैट ए इक्वल टू बी। यहाँ से पहले वाले टर्म से हमें मिल गया एक ए इक्वल टू बी, दूसरे वाले हमें टर्म से मिल जाएगा बी इक्वल टू सी और तीसरे वाले टर्म से हमें मिल जाएगा सी इक्वल टू ए। अगर ये तीनों आपस में बराबर हैं तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया है ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, हेंस प्रूव्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।